खाना बनाने के लिए लकड़ियां लानी होंगी और वो भी जंगल से। जी अभी लाया। रुको, कल तक जिसके पीछे पूरी शिरडी दीवानी थी, जिसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए लोग तैयार थे, आज वही इंसान मेरा नौकर है। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है और कामयाबी का जश्न तो सबके साथ मिलकर मनाने का मजा है। चलो, और क्या खबर बंबई की? कुछ नहीं साहब, बस मालकिन ने कहा कि उन्हें एक नौकरानी चाहिए। तो मुझे क्या बता रहे हो? कौड़ियों के भाव यहां पर लोग मिलते हैं शिरडी में, ले जाओ किसी को भी। जी साहब। साहब अपने कारखाने के लिए कुछ नए काम आए हैं। एक तो नंदलाल, तुम हर चीज मुझे क्यों देते हो? अरे बिजनेस खोला है तो ऑर्डर्स तो आएंगे, ये सब जाके उन मैनेजर्स को दिया करो, उन्हें तनख्वाह किस बात की मिलती है? क्या हुआ साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही कहीं से जिससे कि थोड़ा सा मजा आ जाए। साहब एक खबर है और वो भी शिरडी से है। क्या? साई के बारे में। साहब मैंने दिलावर को साई पर चिल्लाते हुए देखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिलावर गरम दिमाग का आदमी है, सब पे चिल्लाता रहता है। साहब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिलावर साई को चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहा था और साई उसका हर हुक्म सर झुका कर मान रहा था। अगर ऐसा है तो ये मंजर अपनी आंखों से देखने के लिए मुझे खुद जाना होगा। मेरी बग्घी निकालो। दिन भर लकड़ी बीनता रहेगा तो खाना कब बनाएगा? बहुत हो गया आज का इंतजाम। पीछे, मेरे पीछे आ। ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है रत्नाकर का यहां अचानक बुलाने का? हरिओम। सुस्वागतम सुस्वागतम। आपको देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कुलकर्णी सरकार। मुझे भी प्रसन्नता होगी जब आप मुझे ये बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। आज जो तमाशा मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आपकी और मेरी भेंट से कहीं अधिक दिलचस्प है। उस तमाशे को देखने के बाद लोग सब भूल जाएंगे। कौन सा चमत्कार दिखाने वाले हैं आप मुझे? चमत्कार, एकदम सही शब्द का प्रयोग किया आपने कुलकर्णी सरकार। चमत्कार ही दिखाने जा रहा हूं, लेकिन वो साई किस शब्द का प्रयोग करता है? सबूरी, अर्थात सब्र। थोड़ा सब्र कीजिए सरकार। साहब वो रहा।
इसे दिखाने के लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ पर रत्नाकर जी? कुलकर्णी सरकार, आज बहुत जल्दी में आप जरा उसके पीछे देखिए। अगर एक भी लकड़ी नीचे गिरी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए अब कैसे प्रसन्नचित हो गए आप। मैंने कहा था ना कुलकर्णी सरकार कि दिलावर अली ही वो आदमी है जो हमारा काम कर सकता है। अपनी आंखों से देख लीजिए, आज इसने साई को अपना नौकर बना लिया है। विश्वास नहीं हो रहा है रत्नाकर जी। चल एक काम क्यों ना करें, इनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि गांव वाले अपने प्यारे साई को यूं बोझा ढोते देख कैसे छाती पीट पीट रोते हैं। साई, साई, साई लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। साई गठर उठाए चल रहे दिलावर के पीछे क्यों? हाँ ये तो नहीं जानता विवाह, लेकिन इतना जरूर जानता हूं जिसके पास साई का साथ हो उसका उद्धार निश्चित है। अबीर, जल्दी कदम बढ़ा, अभी बहुत काम करने हैं। ये क्या हो रहा है? साई उसके आदेशों का पालन क्यों कर रहे हैं? चलो देखते हैं। साईं, साईं, मैं मदद करूं आपकी? ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मेरा मेरा धन चला गया। साईं, आप इंसान के रूप में भगवान हैं, आपके साये में आते ही लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जानना बहुत जरूरी है आखिर चल क्या रहा है साईं के साथ।
साई आप ठीक है ना? साई क्या ये आदमी आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है? अगर हमारी कोई जरूरत हो तो बेहिचक बताना। मैं ठीक हूं। ये फकीर आखिर है क्या चीज? सारे गांव वाले उसके पास में हैं। ए फकीर, ये लोगों से बात करना बंद कर और चल जाके काम कर अपना। तेरी काम चोरी अब नहीं चलेगी। ये कुलकर्णी सरकार, कैसा लग रहा है ये खेल? बहुत बढ़िया खेल चल रहा है रत्नाकर जी, बहुत ही बढ़िया। असली रोमांच आएगा खेल में रत्नाकर जी। ए, जल्दी जला वरना तुझे जला दूंगा मैं। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मेरे साईं से। अब तू आ गई मुझे परेशान करने यहां। परेशान तो तुम कर रहे हो मेरे बेटे को, लेकिन अब और नहीं। होगा तेरा बेटा, लेकिन अब ये मेरा शागिर्द है। शागिर्द? तुम होश में तो हो? यकीन ना आए तो पूछ ले इससे। साई, क्या बात है? ये सही कह रहे हैं भाई सामान, अब मैं इनका शागिर्द हूं। इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है और इनकी बात मानना मेरा कर्तव्य है। कल्पना की थी कभी ऐसा होगा कुलकर्णी सरकार? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो साईं? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा है कि नहीं? हाँ, जो चले जाते हो यहां भीड़ लगाने, निकलो यहां से। ए फकीर, इन लोगों को प्यार से जाने को बोल, और अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
नाराज हो भाईजामा? तुम ये सब क्यों कर रहे हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम जो करते हो वो कभी गलत नहीं होता है। इसलिए तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन माँ हूं ना, तुम्हें इस हालत में देखना दुखदाई है मेरे लिए। पैसा घर चली। आपका ये सैनिक अभद्र है, अशिक्षित है, लेकिन इसका निशाना अचूक है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब मुझे उस पल का इंतजार है रत्नाकर जी, जब यह आपका सैनिक उस पाखंडी साई को लेकर शिरडी से बाहर चला जाएगा। करनी सरकार, वो पल भी शीघ्र आएगा, अति शीघ्र आएगा। अब तो बस आप साई रहित शिरडी का राजा बनने के लिए तैयार हो जाइए। समझ क्या रखा है दिलावर अली ने? वो मेरे साई को ऐसा कैसे कह सकता है? अगर साई वैसा कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। साई उस दिलावर अली के शागिर्द बन गए, ऐसी उम्मीद नहीं थी साई से। द्वारका माई में उसे रहने के लिए साई ने जगह क्या दे दी? वो तो उस जगह का मालिक बन बैठा है। विवा, मोहन, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने साई पर भरोसा है ना? देखना, वो जो कर रहे हैं इसमें भी किसी ना किसी की भलाई जरूर छुपी होगी, मुझे विश्वास है इस बात का। सबकी भलाई चाहता है साई, फिर उसके लिए उसे खुद दुख दर्द क्यों ना सहना पड़े? हंसकर सहता है, उफ तक नहीं करता, इसीलिए चिंता होती है मुझे उसकी। तू सही कह रही है, दिलावर जैसे दुष्ट इंसान के साथ रहना साईं जैसे भले आदमी के बस की बात नहीं है। जितना मैं उसके बारे में सुनती जा रही हूं उतना मेरा भरोसा टूटता जा रहा है उस पे से। सब लोग जानते हैं कि दिलावर कितना स्वार्थी है। वो अपने तीन चेलों से इतना काम करवाता था, अगर वैसे ही अगर वो साई से भी करवाएगा तो निश्चित रूप से साई की तबीयत तो खराब हो जाएगी ना। क्या क्या है अपने जैसा बेजान नाश्ता बनाया तूने? हाँ, तो इसमें मिर्च है ना, मसाला है ना, तो कोई स्वाद है इसका, एकदम बेस्वाद है ये। फकीर तू है, मैं नहीं। तरह तरह के खाने का शौकीन हूं मैं, एकदम मसालेदार खाना चाहिए मुझे। ले जा, उसमें ढंग से मसाला डाल के ला। ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना ये इंसान के दिमाग को गर्म करता है, स्वभाव को उग्र बनाता है, और सादा खाना मन को शांत करता है, स्वभाव को सौम्य बनाता है, सेहत के लिए भी अच्छा है ये। ये अपना नसीहत ना अपने पास रख, जा और मसालेदार बना के ला। जा। जी, अभी लाया। Oh, Sai, Oh, Sai, Oh, Sai, Oh.
जल्दी कर। सर पे चढ़ाया है और ये महारानी की तरह अभी भी सो रही है। भाभी, वो अगर ऐसे ही सोती रही तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? अरे कुलकर्णी वाला काम करने नहीं जाएगी तो यहां बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। चल उठ। भाभी थोड़ी तबीयत खराब है, आराम कर लो। हो गया ना आराम, चल उठ अभी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। चल उठ। रुक जाइए। मत उठाइए आई को। तेरी आई अगर सोती रही तो काम क्या तू करेगी? मैंने सारा काम कर लिया है, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी। आप आई को आराम करने दीजिए। अच्छा, तुझे कब से घर का काम करना आ गया? मैं जला भुना खाना नहीं खाने वाली। मामी आप एक बार चल के रसोई देख तो लीजिए, उसके बाद कहिएगा। अच्छा चल चल मेरे साथ। स्वादिष्ट है, छोटी बच्ची समझकर इस पर कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये तो अब सियानी हो गई है, माँ की तुलना में बेटी 20 निकली। ये सब तूने बनाया है? हाँ मामी, अब तो आई को आराम करने दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो कुलकर्णी वाड़ा जाकर वहां का काम भी निपटा दूंगी। नहीं, मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही हूं कि तू बड़ी हो की नौकरानी बने। भाभी थोड़ा आराम करने के बाद मैं कुलकर्णी वाड़ा चली जाऊंगी। नर्मदा ताई से कहकर रुक्मिणी वाहिनी को संदेशा भेजवा दिया है मैंने। ठीक है ठीक है, अंदर जाके पढ़ाई कर। आती हूँ भाई, पहले साई के लिए खाना निकाल दूँ? आज मैंने पहली बार अकेले खाना बनाया है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथों से बना हुआ खाना वो जरूर खाएं। लीजिए।
अभी मजा आ गया। खाना ऐसे ही मसालेदार बनाना, याद रखना। जी, ध्यान रखूंगा मैं। प्रणाम साई। खेत पर जा रहा था, सोचा जाते जाते आपके दर्शन कर लो। राम जी भला करे। चलता हूं। हे फकीर, एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। ये जो गांव वाले आते हैं ना वक्त बेवक्त तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए ये सब बंद करवा, क्योंकि ये तेरी द्वारका माई नहीं है, ये मेरा दरबार है। यहां वही शख्स आएगा जिसको मुझसे काम होगा, समझे? अब तू मेरा शागिर्द है, इसलिए तेरी फर्जी दुकान बंद। जैसा आप कहें। मेरे सोहबत में रह के तो बहुत जल्दी सीख गया फकीर, लेकिन मसाला जरा बारीक पीस। जी। क्या पका रहा है? कढ़ी चावल पका रहा हूं। ये खाना तो चिड़ियों के पेट भरने के लिए बना रहा है। अरे भूखा हूं मैं, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए होता है। रुक, ये ले और इसे अच्छी तरह से धो के चूल्हे पे चढ़ा, और ध्यान रहे चावल के मुताबिक मसाला अच्छे से डालना। जी। खाना लजीज होना चाहिए, समझे? कुलकर्णी सरकार मेरे पिताजी कहा करते थे, फल खाने का मजा तब है जब वो मौसम का हो। लीजिए। आम मुझे तो बहुत पसंद है। आम जी, क्या आपको लगता है हमें भी कुछ मिलेगा? इन्हें देख के तो मेरे मुंह से लार टपक रही है। मेरे पेट में चूहे ने कूद कूद कर आतंक मचा दिया। एक बात बताइए रत्नाकर जी, क्या अब तक उस पाखंडी साई की कमर टूट गई होगी काम कर करके? फिर कमर करनी सरकार, अब तक तो उसका हौसला भी टूट गया होगा। सच कहा था आपने दिलावर के बारे में, अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि दिलावर उस पाखंडी साई को शिरडी से बाहर फेंकने में सफल हो जाएगा, और उस दिन रात्रि भोज मेरे घर पे होगा। हरिओम। पक्का। बहुत ही लजीज खाना, क्या बात है। सुन, मैं अपने शागिर्दों को भूखा नहीं मारता कभी। जा, वो भी कुछ खा ले। ये खाना नहीं खा सकता, बरसों पहले भिक्षा से ही पेट भरने की कसम खाई थी, तब तक उसी पर कायम। खैर, तेरी मर्जी,
एक बात पूछनी थी आपसे। आपके खा लेने के बाद बहुत सारा खाना बचेगा, क्या मैं गांव वालों को खिला दूं? खिला दे, मेरी बदौलत गांव वालों को इतना लज्जतदार खाना नसीब होगा। सुना है यहां पर अक्सर लोगों को दावत दिया करता था तू, अब तो ऐसा फिर कभी नहीं कर पाएगा। समझ ले, शिरडी में तेरी आखिरी दावत है ये। शुक्रिया।